आज 66th BPSC के को ध्यान में रखकर ये हम काम कर रहे हैं और बिहार SI का भी है, तो एक बिहार का एग्जामिनेशन है इस लिहाज से और BPSC सर पे है इस लिहाज से, दोनों को साथ मिल करके ये प्रिपरेशन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है वो क्या है? तो पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनियम हाइड्रोक्लोरिड एसिड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। क्वेश्चन नंबर चार हो, ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो, अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त कब हुआ था? अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया 1 फरवरी 2003 को दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस दुर्घटना के दौरान 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए। मरने वालों में भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला भी सम्मिलित थी। तो इसका आंसर 2003। क्वेश्चन नंबर तीन है, जस्ता का एक आयतन भाग को आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है, पीतल का घनत्व कितना है? 83, इसका ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, 8300 कैलोरी मीटर इनवर्स क्यू। क्वेश्चन नंबर चार है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है? विटामिन के चोट के बाद रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है, यह चोट को सोखने में प्रमुख सहायक तत्व होता है। ऑप्शन नंबर डी हो चार हो जाएगा, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर पाँच, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? शर्करा को जल के साथ इन्वर्टेज एंजाइम की सहायता से क्रिया कराते हैं तो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज उत्पाद के रूप में मिलता है। ग्लूकोज को जाइलेम एंजाइम की सहायता से क्रिया कराने पर एथेनॉल तथा CO2 गैस निकलती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल है। ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर छः की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छः है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? ऑप्शन नंबर ए है RNA, बी है इन्वर्टेज, सी इंसुलिन और डी है एस्कॉर्बिक एसिड। हार्मोन हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है जो विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के संचालन में सहायक है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय ग्रंथि के लैंगरहंस द्वीपिका द्वारा बीटा सेल से निकलता है। यह शरीर से ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका स्राव न होने पर मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर सात की तरफ बढ़ते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड अभिक्रिया करता है, इसलिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा तीन, कांच के एल्युमिनियम ऑक्साइड से। तो ऑप्शन नंबर चार है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। माफ कीजिएगा, वो ऑप्शन नंबर तीन भूल बस आ गया था। क्वेश्चन नंबर आठ है, वायु में थोड़ी देर रखने पर क्रिया किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट पर परत जम जाता है, धातु क्या है? जस्ता को कुछ समय हवा में रखने पर उसके ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, इसे प्रायः जंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, जस्ता। क्वेश्चन नंबर नौ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सा है?
कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। यह कोल तथा पेट्रोलियम गैसों के साथ पाई जाती है। इसे सूंघने पर व्यक्ति बेहोश हो जाता है। एथिलीन के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा प्लास्टिक भी बनाया जाता है, तो एथिलीन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है क्या? विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। इसका उपयोग क्रशर उद्योगों में पत्थर तोड़ने के लिए डायनामाइट बनाने में किया जाता है। यह ग्लिसरीन का व्युत्पन्न यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी एस्टर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है तो सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए और इन सभी के लिए। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी के लिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए और बौद्धों के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को पृथक हुआ। इसका कोड है छौझा, मतलब छ से छत्तीसगढ़, ऊ से उत्तराखंड और झा से झारखंड। ये तीनों 2000 ईस्वी में अलग हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? बिहार में 12 विश्वविद्यालय हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा और तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, पटना विश्वविद्यालय पटना में ही है, मगध विश्वविद्यालय बोधगया, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपड़ा, बिहार योग भारती मुंगेर, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा। तो इस प्रकार कुल मिला के 12 विश्वविद्यालय भारत में हैं, बिहार में हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्होंने 1970 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। 1999 में मरणोपरांत जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार से भी नवाजित किया गया। तो जयप्रकाश नारायण ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईसा पूर्व 6 सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6 सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली थी। वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। वैशाली भगवान महावीर की जन्म स्थली होने के कारण जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए एक पवित्र नगरी है। वैशाली मौर्य काल एवं गुप्त काल में औद्योगिक केंद्र भी रहा है। इस प्रकार इसका आंसर वैशाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 है, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था, जिसे गुप्त शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था। हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था और यहाँ कई वर्षों तक सांस्कृतिक एवं दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इत्सिंग हुएनसांग के बाद आया था। इन्होंने अपने यात्रा वृतांत एवं संस्मरणों में नालंदा के विषय में काफी कुछ लिखा है। तो हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो ये ऑप्शन वाइज हो जाएगा, क्योंकि बिहार में तो और भी है पेंटिंग। तो मधुबनी, पिछवई, श्रीरंगपट्टनम, मुगल। तो मधुबनी, मधुबनी बिहार की पेंटिंग विद्या कला है और मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख कला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में
रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप से कपड़ों, दीवारों एवं कागजों पर उतरी। इसके चित्र में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर, प्राकृतिक दृश्य जैसे सूर्य एवं चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे और तुलसी और विवाह के दृश्य देखने को मिलते हैं। मधुबनी पेंटिंग दो तरह की होती है, भित्ति चित्र और अरिपन या अल्पना भी कहते हैं, तो मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो ये उस वक्त की बात कर रही है, इस ऑप्शन में तो कोई नहीं है। अभी वर्तमान की बात की जाए तो फगु चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। तो फगु फगु चौहान समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या है? 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 82 मिलियन थी। वर्तमान 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार की जनसंख्या है 10 करोड़ के करीब थी। बिहार की जनसंख्या संपूर्ण तो लगभग 10 करोड़ के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा की कुल सीटें 243 हैं। इसके साथ ही विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं और 40 लोकसभा सीट है और राज्यसभा 16 है, तो इसका आंसर 243, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व हुई थी। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। वलित पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुरझाने से बनते हैं। यह लहरदार पर्वत होते हैं जिन पर असंख्य अपनतियाँ और अभिनतियाँ होती है, जैसे हिमालय, अल्पस, यूराल, रॉकीज एवं इंडीज इत्यादि। वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक संकल्पना पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा 400। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी मध्य महाद्वीपीय पेटी एवं परी प्रशांत पेटी में पाई जाती है। सक्रिय ज्वालामुखी उन ज्वालामुखी पर्वतों को कहा जाता है जिनमें अक्सर उद्गार होता रहता है, क्योंकि यह ज्वालामुखी सदैव ही क्रियाशील रहते हैं। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या लगभग 500 है। इन ज्वालामुखियों में प्रमुख है इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली। इस प्रकार इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा, जैसे मध्य महाद्वीपीय पेटी और बड़ी प्रशांत पेटी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के बिटवाटरसर लैंड, दोस्तों इसको थोड़ा सुनने लायक है, सुनिए, बिटवाटरसर लैंड पर्वत श्रेणी पर है। सोना उत्पादक देश घटते क्रम में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खान के रूप में प्रसिद्ध किम्बरले की खान है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिटवाटरसर लैंड। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन कौन सा है? तो देखिए, कांगो नदी जो अफ्रीका महाद्वीप में है, कोलंबिया उत्तरी अमेरिका में है और यांगसी चीन में है। ये नदियाँ विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाली नदी बेसिन वाली है। भारत में गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी सबसे अधिक जल क्षमता रखती है, तो इस प्रकार इसका आंसर
ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा कांगो कोलंबिया यांगसी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण एवं पूर्व एशिया जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है। केवल भारत और चीन मिलकर ही विश्व की 1/3 जनसंख्या का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दक्षिण एवं पूर्व एशिया। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। भारत अवस्थित है तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 8° 4' उत्तर से 37° 6' उत्तरी अक्षांश तथा 68° 7' पूर्व से 97° 25' पूर्व के मध्य। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। आप मैप को स्मरण कीजिए, अगर मैप स्मरण होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। इस प्रकार अगर बिहार की स्थिति पता करना चाहिएगा तो ये भी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में आएगा। जाहिर सी बात है कि भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है तो बिहार भी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में होगा। यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी का चर्चा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। हिमालय को काटकर एवं बहकर आने वाली प्रमुख नदियों में ब्रह्मपुत्र, सिंधु एवं गंगा है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। यह हिमालय के गंगोत्री हिमनद से निकलकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से बहती हुई भारत को बांग्लादेश से जोड़ती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट यांगजोंग झील से उद्गमित होती है और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट सिन का बाब नामक जलधारा से हुआ है। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के मत्स्य संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसको देखना है कि किस प्रकार का है। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में 6ठा स्थान है। अंतःस्थलीय मत्स्य उत्पादन में दूसरे स्थान पर भारत विराजमान है। भारत के पास गहन सागरीय मत्स्य हेतु 20 लाख वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र उपलब्ध है, जो तट से 320 किलोमीटर तक समुद्र में विस्तारित है। भारत का वर्तमान वार्षिक मत्स्य उत्पादन लगभग 40 मिलियन टन है, जिसका निर्यात किया जाता है। ये डाटा 2015 के अकॉर्डिंग हम बता पा रहे हैं आपको। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। इसका ऑप्शन नंबर 4 में है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में 6ठा स्थान है, बिल्कुल सही बात है, तथा अंतःस्थलीय मत्स्य उत्पादन में दूसरा है, ये भी सही है। अब इसका ऑप्शन नंबर 2 देखिए, नंबर 2, भारत के पास गहन सागरीय मत्स्य हेतु 20 लाख टन किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र मौजूद है, जो तट से 320 किलोमीटर तक समुद्र में विस्तारित है। अब पॉइंट नंबर तीन देखिए, भारत की सकल घरेलू मत्स्य उत्पादन में मत्स्य व्यवसाय का योगदान लगभग 1% है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में ताम्र यानी तांबा, स्वर्ण यानी सोना, लौह यानी लोहा, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला में क्रमशः खेतरी,
कोलार कुद्रेमुख झरिया स्थान प्रसिद्ध है, खेतरी राजस्थान में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, क्षेत्री कोलार कुद्रेमुख और झरिया। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, भारत के पूर्व वित्त मंत्री, ये बिल्कुल थे, भारत के फाइनेंशियल मिनिस्टर भी रहे हैं मनमोहन सिंह जी, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, बिल्कुल सही बात है, ये गवर्नर भी रहे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष, यानी ये कह रहा है यूजीसी की बात कर रहा है, तो इसके भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व महानिदेशक, ये नहीं, ये कभी नहीं थे, मतलब आईएमएफ के महानिदेशक ये नहीं रह चुके हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों के कौन सा क्रम सही है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में उच्च पदाधिकारियों का वरीयता क्रम इस प्रकार है, जैसे राष्ट्रपति पहले नंबर एक पे आएंगे, राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यों के राज्यपाल, पांचवा उप प्रधानमंत्री, छठा भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष, सातवां केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद में विपक्ष के नेता, सात के क में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, आठ में राजदूत, नौ में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और नौ के क मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इस प्रकार देखें, और इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था है। इस आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों के लिए किया जाता है। यह आयोग केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में, संचित निधि से खर्च के बारे में तथा अन्य जो कार्य राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए हैं के बारे में सिफारिश राष्ट्रपति को प्रस्तुत है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो अभी योजना आयोग है ही नहीं, अभी इसके जगह पे नीति आयोग आ गया है, ये 2015 में नीति आयोग का गठन हो गया। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म साथियों, ये बार बार एग्जाम में आ रहा है, इसलिए ये जानना आवश्यक हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। January 1, 2015 में मोदी जी के द्वारा इस संगठन का निर्माण किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है? सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रारंभ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सभी के लिए किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इन नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, माफ कीजिएगा, 12वीं वित्त आयोग की अध्यक्ष कौन है? 12वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन थे, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी हैं, जिनका कार्यकाल 2015 से 2020 तक है, 20 तक रहेगा। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डॉक्टर सी रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरा स्तंभ के रूप में जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में विश्व व्यापार संगठन को तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। विश्व
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जनवरी 1, 1995 को हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। 164 राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच एवं स्पेनिश है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? मिलेनियम विकास लक्ष्य इसमें बहुत सारा पॉइंट के माध्यम से हम इसको जान पाएंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1 में देखते हैं, अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन। पॉइंट नंबर 2 है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, शिशु मृत्यु को कम करना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाना, HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों को रोकथाम करना, पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, विकास के लिए एक वैश्विक भागीदारी विकसित करना। इन लक्ष्यों को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में जानते हैं? UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, HDP यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसके अंतर्गत 3 सूचकांक आते हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, जन पर जीवन प्रत्याशा आयु को। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का निम्नलिखित में से कौन अवयव नहीं है? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामों की अवसंरचना का सुधार, उनका विकास करना इत्यादि। पोषण इस योजना का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पोषण। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। सत्ता हस्तांतरण के समय मैसूर राज्य में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। ये वही मैसूर है जो कर्नाटक राज्य में है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, वे थे? त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के दीवान पी रामास्वामी अय्यर की स्वेच्छापूर्ण सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1, CP रामास्वामी अय्यर। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ था। तो इसमें ये बंगाल के फैजपुर में हुआ था, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रवादी सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। बिहार में राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति महात्मा गांधी के आगमन के पूर्व रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन के अभाव में था। इसकी पूर्व पूर्ति चंपारण आंदोलन में गांधी जी के द्वारा प्रेरित कार्यों से हुआ। इसके बाद बिहार राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुखर रूप से सक्रिय हुआ। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा
तीन, ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? बिहार के जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम आर्थिक ही था। किसानों के हितों की रक्षा के लिए स्वामी सहजानंद की किसान सभा द्वारा लगान कटौती, जमींदारी उन्मूलन, बर्खास्त भूमि की वापसी आदि की मांग की गई। इसे जमींदार चिंतित हो गए तथा संगठित होकर उन्होंने एक राजनीतिक दल गठित की तथा अपनी आर्थिक साधन का उपयोग कर राजनीतिक शक्ति बचाने में किया। तो इसका ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, आर्थिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना प्रभावी हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज कई महीनों तक गायब हो गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, बड़ही से बिल्कुल गायब हो गए थे। वर्ष 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना प्रभावी प्रसिद्ध हुआ कि बरही से कई महीनों तक अंग्रेजी राज गायब हो गया था, क्योंकि बरही आर्थिक दृष्टि से दमन की स्थिति में था और इसमें अंग्रेजों को कोई अधिक लाभ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था, कब हुआ था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 4 मार्च 1929 को की। इस सभा के द्वारा स्वामी जी ने बिहार के किसानों के राजनीतिक चेतना जगाने तथा उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने का भरपूर प्रयास किया। इस कार्य में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेताओं ने सहयोग प्रदान किया। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, मार्च 1929। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय कांग्रेसी कार्यकर्ता की क्रांतिकारी गतिविधियों को जाता है। यह सभी जयप्रकाश नारायण, संपूर्णानंद सिंह की समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को त्रिमुखी वर्गीकरण श्रेणी में रखा गया था। त्रिमुखी वर्गीकरण का मुख्य आधार उनकी आर्थिक व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, त्रिमुखी वर्गीकरण। जय हिंद साथियों।